टेलर हेलो गाइस वैसे तो गुड इवनिंग हो रही है, टाइम हो रहा है सामने देखिए, टाइम हो रहा है 10 PM। तो हमें अभी अभी एक स्टोरी मिली है। क्या मिली है समीर ने हमें की स्टोरी में मेंशन किया है, स्टोरी दिखाता हूँ स्टोरी में क्या मेंशन हुआ। ये स्टोरी है, समीर ने इस स्टोरी में मेंशन किया है। तो गाइस करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट, आज से ही उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए। हेलो नमस्ते, सलमान को सत्र अकाल, दिस इज जय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय व्लॉग। जय व्लॉग्स तो अब अपन जाके देखते हैं दादी क्या करती है, सरगी के लिए क्या बना रही है, जाके देखेंगे। एंड टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है 3:17 एंड चलते हैं दादी के पास, देखते हैं क्या कर रही है। तो गाइस दादी बना रही है हमारी पराठे बनाया जा रहा है पराठे। तो गाइस हमारी दादी गई है नमाज पढ़ने के लिए एंड हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि सर्गी में चाय जरूरी है, उसके बिना तो पूरे दिन कैसे निकलेगा, हम चाय नहीं पियेंगे। तो ये बन रही है हमारी चाय एंड उधर परले मंडी वाले घर पे समीर रख रहा है रमजान, उससे जाके मिलेंगे एंड। तो गाइस अब कर रहे हैं हम सर्गी, मैं और दादी, सर्गी में पराठे, ये सब्जी एंड दही। गुड मॉर्निंग गाइस, तो टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 8:20 एंड रात को मतलब मैं सर्गी करके सीधा सो गया था, मेरी आंख लग गई थी, वजह से रात नहीं हो पाई रात को बिल्कुल भी। एंड अब मैं नहा के रेडी होता हूँ क्योंकि मुझे जाना है परले घर। गुड मॉर्निंग गाइस, हम हो चुके हैं रेडी, तैयार हो चुके बिल्कुल। और ये देखो कैसे पढ़ने मनोसों की तरह, दोनों के दोनों, इनको उठा नहीं जाता। तो चलो वहां पर दिखाना मेरी रज्जो, क्योंकि उसे करना कॉल स्टार्ट, गंदी हो रही है, धोना पड़ेगा इसको। वो मैस्ट्रो खड़ी गाइस, हम चल रहे हैं मंडी वाले घर पे, क्योंकि उधर अपने को डेडी ने बुलाया है, उनको कोई काम है, चलते हैं उस वाले घर पे, उसे भी मिल लेंगे। उसे लगता है हमने उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वैसे तो मैंने रिटर्न स्टोरी डाल दी थी कल रात को ही, टाइम से मतलब ब्रो योर चैलेंज एक्सेप्टेड। पापा के काम से कॉल एंड टाइम हो रहा है 10:42 और मुझे अभी से रोज मैं स्टार्ट हुई इधर, बहुत गर्मी है, मुझे लग रही है कोई बात नहीं, घर जाके सब ठीक हो जाएगा, सो जाऊंगा एंड नमाज पढ़ लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी से मिलना, अभी समी से नहीं मिला, उसमें घर आके सीधा पापा के पास आ गया काम से। फाइनली घर आ चुके हैं, हालत ख़राब हो चुकी है गर्मी के कारण, बहुत भयंकर हो रही है हालत, क्या बताऊँ कितनी भयंकर हालत हुई पड़ी है। एंड चलते समय फिटिंग है, तो मेरे कुर्ते आगे सुन के आ गए, बहुत ज्यादा फिटिंग है ये जे हमारी राजस्थानी। हाँ भाई देख, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जे अपने ईद के कपड़े सिलवाते हुए। अरे ये तो पुरानी का है, नया तो ये हमारी मम्मी इसका नाप लेते हुए। ये जे राजस्थानी भाषा और हमारी प्लस गांव की भाषा मिलके एक भाषा बनती है, वो बोल रहा है क्योंकि अगर ही इतनों भी। गुड आफ्टरनून गाइस, तो टाइम हो रहा है 1:26 एंड हमारी हालत खत्म होने को आ चुकी है। रोजा लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा, रोजा लग रहा है बहुत भयंकर, इसको नहीं लग रही, घर में पड़ा था, मैं घर में नहीं था, मैं बाहर दौड़ रहा हूँ, मैं कोर्ट गया था, आपको पता मैं काफी दिख, क्या क्या खा रहा है तुझे, चींटी हो रही है कमरे में, और इसने अपना सुंदर सा मुकुट रिवील कर दिया सुबह से, इसने एक बार व्लॉग में नहीं आया, और हमारे व्लॉग में तो फिल्टर्स भी नहीं होते, नेचुरल ब्यूटीफुल आ गए, मेरी आवाज भारी हो रही है ना।
है ना, जुकाम भी इसके क्या जुकाम हो रहा है। सुबह सुबह मुंह धोना पड़ता है ना हमको 6-7 बजे 3-4 बजे, उसकी वजह से ऐसे हो जाता है। बट मेरा आज फर्स्ट रमजान है, होते हुए कितने हो गए। एक चीज वो बताएंगे नहीं तो मैं सुलट जाऊंगा यही की है, क्योंकि इस कमरे से बाहर निकलना है हमको समय पहले बहुत जल्दी। इस कमरे में कोई आता जाता नहीं, ये बंद रहता है, बंद रहता है क्योंकि हमने इसमें फालतू का सामान रखा है, जो कि हम कबाड़ा जो कबाड़ा जिसपे बैठे ये भी कबाड़ा और ये भी कबाड़ा है। वैसे मैंने ये है, ये है वैसे तो ये हमारा सैम मास जो कि मुझे कोई बोलता भी नहीं, बचपन बोलते मास। मुझे स्कूल में सैम बोलता है, बचपन में कहता था मैं मास हूँ, मास पे दीवार में सर दे को मारता मेरे दर्द नहीं होता। अभी हम लाइव आए थे अभी हम एक टोपी नहीं आता था एक्स्ट्रा, मैं तो खुद की टोपी भी नहीं लाया, वो लिया मेरे लिए। अभी हम लाइव आए, अभी मजा आया था ना। अरे भाई लाइव देखना तो इसके लड़कियों की तारीफ ही तारीफ हो रही थी। अभी लाइव रहने देता हूँ, लड़कियां मर गई, फ्लैट हो गई। फ्लैट पूछ रही थी कि गाइस की आप, वो कह रही थी मुझसे आपका वो कोई गर्लफ्रेंड है क्या, मिली नहीं कहिए मिली। मेरी तो पता है मैं तो हूँ पैदा ऐसी सिंगल। तो गाइस अब हम जल्दी नमाज पढ़ने के लिए, ये राइडर बॉय समीर एंड मैं, एंड अभी हम जो लाइव आए थे उस लाइव में इतनी तारीफ हो रही, इतनी तारीफ हो रही, इतनी तारीफ 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 पे तारीफ तारीफ पे तारीफ, इतनी तारीफ। मजा आया था भाई, मजा आया, देखो मजा आया था लाइव में। हमको नहीं लगा था कि लड़के इतनी मरती हो। कैसे चलते चल चुके हैं हम नमाज पढ़ने के लिए, हमें काफी राम सो रहा, अब जा रहे मस्जिद की तरफ। गाइस नमाज हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड हम चल रहे थोड़े दौड़ने, इतने हमारा टाइम हो जाएगा 20 तारीख का, तो चल सकते हैं दौड़ने। यहाँ बैठे बैठे हो चुके हम बोर, इसलिए कहीं और चलते हैं यहाँ से दौड़ने के लिए। चले ना, कहीं में बोर हो गया ना यहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि यहाँ पे काफी बैठते हैं। तो गाइस इसका जो कवर है वो 7 फुट वाले घर पे यहाँ पे नहीं, तो इसको मैंने कहीं लगा था चद्दर होता है, क्योंकि अब अपन 7 फुट वाले घर पे जा रहे हैं। जय 70 रुपए का तेल डलवाते हुए, ये चेक कर रहा है कि यहाँ पर फोटो कैसी आएगी, और ज्यादा ही जूम हो गया कुछ। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने आया था साहिल से, इसके साथ हमने 2-3 गप्पे सप्पे मारे एंड हम यहाँ से निकले। सच्चाई व्लॉग, ये देखो हमारा राइडर, तूने दीपक को भी दिखाया था ना, याद है तो अपन तो गाइस तुम्हें पता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था। गैलेक्सी ईद का प्लान, ईद का प्लान कुछ ऐसा है गाइस कि एक लाएंगे आप तुम भी नहीं 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 सच्चाई व्लॉग, ये तो विशाल अंकल की है, ये काफी हम दोनों के चाचा भतीजे। हम गाइस मैं चाचा एक दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, ये नहीं बताना, प्लान बताना है। प्लान ये है कि ईद का प्लान है तो पहले हम जाएंगे नमाज पढ़ने, मतलब सारे चाचा चाची सॉरी चाचा चाचा मैं दादा दादा
पापा और सारे चाचा और समीर मैं भाई भाई हम सब जाएंगे नमाज पढ़ने ईदगाह एंड उसके बाद हम आएंगे घर। ठीक है, खीर खाएंगे क्योंकि मीठी ईद है तो खीर खाना जरूरी रहता है। कम्पल्सरी पता है आपको ये सब, वैसे तो आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएंगे। ईद के दूसरे दिन, ईद वाले दिन नहीं मिल सकते सॉरी इस चीज के लिए। एंड बाकी का प्लान ये है फिर हम एक आप लाएंगे और फिर जाएंगे मूवी देखने भाईजान की मूवी। उसके बाद शाम का प्लान फैमिली पिक्चर देखने जाएंगे। हाँ तो फिर अपन ऐसा काम करते हैं कि पहले मूवी चलेंगे फिर हम भी करेंगे बल्ले बल्ले। तुम भी करोगी भाई बताओ सच्चाई व्लॉग में इनसे भी पूछूंगा मैं तेरे से भी पूछूंगा। मेरा तो कुछ प्लान नहीं हुआ, मैं ये सब करता नहीं हूँ भाई। से एक नंबर का झूठ है, सब मैं पहले गिलास यही आगे करता है थोड़ा सा देना सबसे पहले आगे ये करता है। अगर मैं कुछ देता भी हूँ पहले तो कहेगा मेरा मन नहीं कर रहा, फिर ये थोड़ा पता क्या कहेगा पकड़ा जल्दी से। आज का दिन बहुत कठिन था, बहुत खतरनाक था, बहुत दर्दनाक था। क्या से बताऊं कि क्या क्या था, रमजान लग गया था मुझे बहुत भयंकर वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है, रमजान लगा था थोड़ा बहुत लगा था, इसको भी लगा था मुझे भी लगा था क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी थी। अलग का टेम्परेचर 48 के आसपास था आज, है ना, मैंने देखा नहीं था 48 के आसपास आज टेम्परेचर था लवर का। एंड अभी टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है सीधा ये क्या टाइम हो रहा है 10:12 मैं दिखाता हूँ गाइस दिख रहा है आपको दिख रहा भाई ये तो दिख रहा हूँ 10:12। तो जारिस मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेगुलर व्लॉग डालूं ईद तक, वो तो मैं डालूंगा रेगुलर व्लॉग ईद तक एंड उससे आगे भी हो सकते हैं। बाकी आज से हमारे व्लॉग अपलोड होने का टाइम चेंज हो चुका है, आज से व्लॉग डालेंगे 9:99 मतलब 9:09 पर फिक्स टाइम ही है, ऊंचा नीचे नहीं होगा इससे। एंड समीर राजेश व्लॉग का एंड करते हैं, समीर को बुला लिया हमने इस व्लॉग का एंड करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय टेक केयर सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग गुड नाइट।